नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चबना। महाराष्ट्र के अकोला में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा महानगर पालिका के सईद अहमद शेख मूसा कनिष्ठ अभियंता बांधकाम विभाग अकोला को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अकोला के एक ठेकेदार ने एसीबी में यह शिकायत दर्ज कराई कि उनके तीन तीन ठेकेदारी के बिल महानगर पालिका में अटके हुए हैं, जिनके बिल को तैयार करके फाइल को आगे बढ़ाने के लिए सईद अहमद ने उनसे 40,000 की रिश्वत मांगी है, 30,000 पहले और 10,000 काम के बाद। एसीबी के पुलिस उप अधीक्षक संजय गोरले ने ट्रैप करके एक चाय की टफरी वाशिम बाईपास से 30,000 की रिश्वत लेते हुए सईद अहमद को गिरफ्तार किया। इस काम में एसीबी की ओर से ईश्वर चौहान, गजानन दामोदर, राहुल इंगले, सुनील येलो ने, सचिन धत्रक मौजूद थे। ऐसी जानकारी हमारे संवाददाता शाहिद इकबाल को एसीबी की पुलिस उपाधीक्षक संजय गोरले ने दी। अकोला की जनता एसीबी द्वारा की जा रही कार्रवाई से खुश नजर आ रही है और हर तरफ एसीबी की प्रशंसा हो रही है। यदि इसी तरह कार्रवाई होती रही तो रिश्वत जैसे संगीन अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है, जिससे मजबूत भारत का निर्माण हो सकता है। कल दिनांक 11/11/2018 के दिन एक पुरुष तक्रारकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो अकोला में शिकायत दर्ज की। महानगर पालिका अकोला में बांका विभाग में काम करने वाला कनिष्ठ अभियंता जो कंत्राटी मानदंडों पे काम कर रहा है, उन्होंने जो काम किया उस काम के बिल 8 लाख रुपये मंजूर करने के लिए, उसमें मदद करने के लिए 40,000 की रिश्वत मांगी। इस शिकायत पर कल पड़तालनी जांच की गई, जिसमें जो कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता सईद अहमद शेख मूसा बांका युवा, इन्होंने 40,000 की रिश्वत मांगी और 30,000 रुपये पहला रिश्वत का हफ्ता लेना कबूल किया। उसके चलते जरिए आज दिनांक 12/12/2018 को वाशिम बाईपास चौक स्थित चाय की टपरी पे ट्रैप लगाया गया। उस ट्रैप में शासकीय पंचों के सामने कनिष्ठ अभियंता सईद अहमद शेख मूसा बांका विभाग अकोला महानगर पालिका, इनको 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी को ताबे में लिया गया है, आगे की जांच